जब घर में चावल बच जाए तो कुछ इस तरीके से चावल फ्राई करके खाएं। इसमें हमने डाले हैं सरसों का तेल। जब हमारी तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डाल देंगे। कुछ ना रहे हैं तो आप इस तरीके से भी बना के खा सकते हैं। जैसे चावल बच गई है सुबह की, तो क्या करें, घर में सब्जी नहीं है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जीरा जब कड़क जाए तो उसमें जाए हरी मिर्च, उसके बाद कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का हम लोग ब्राउन करेंगे। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल दीजिए टमाटर। टमाटर को हम लोग भी कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। जब सब्जी ना रहे घर में तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। हल्दी पाउडर, अच्छी तरह से हल्दी पाउडर को भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। उसी समय डाल देंगे हम लोग सब्जी मसाले। कोई भी सब्जी मसाला हो, जो भी घर में अवेलेबल हो सब्जी मसाला, किसी कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है, डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा टेस्ट अलग होता है सब्जी मसाले का। अब इसमें डालेंगे हम लोग बची हुई सब्जी, बची हुई चावल, जो बचा हुआ चावल है उसको हम लोग फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए ही स्वाद अनुसार नमक। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। टेस्ट एकदम बिरयानी की तरह आएगा, लेकिन हम लोग सिंपल सा बनाए हैं। जो बची हुई सब्जी, अगर घर में सब्जी बचा हो उसका भी आप डाल के फ्राई कर सकते हैं। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ती, हमारी चावल फ्राई हो गई। ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। अब आप कुछ भी ना हो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो चलिए गैस को बंद करते हैं और निकाल के दिखाते हैं। देखिए तो चावल कितनी सुंदर फ्राई हुई है।